नहीं देखिए, ये तो स्पष्ट है क्योंकि वैक्सीन वेस्टेज को लेकर के जो आंकड़े अभी जारी हुए थे तो उसमें मेजॉरिटी जो वैक्सीन वेस्टेज की स्टोरीज आई हैं वो झारखंड से आई है, छत्तीसगढ़ से आई है, पंजाब से आई है, राजस्थान से आई है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, आपदा में अवसर और विपत्ति में संपत्ति देखने वाली कांग्रेस पार्टी को अब आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। लगातार जहां पे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, हम लोगों ने देखा है कि जैसे ही पैंडेमिक आया है तब से लेकर के आज तक प्रधानमंत्री जी की चिंता रही है कि देशवासियों को कोरोना से कैसे बचाया जाए, वहीं कांग्रेस पार्टी इसमें एक राजनीतिक अवसर तलाश रही है जो कि उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, देखिए राजस्थान में जो प्रोक्योरमेंट हुआ उसमें आपने लगभग 300 रुपये का वैक्सीन प्रोक्योर किया सेंट्रल गवर्नमेंट से और प्राइवेट हॉस्पिटल को 1,000 रुपये में बेचा। पंजाब के जो आम लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जानकारी के मुताबिक यह है कि 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 2,200-2,200 रुपये दे रहे हैं। तो 300 रुपये एक जगह और 2,200 रुपये एक जगह, 1,500 से लेकर के 2,000 तक का मुनाफा हर एक टीके पे हो रहा है, ये वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी का करप्शन का पुराना चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन ऐसे विपदा के समय भी ये लोग इतने नीच स्तर की राजनीति करेंगे, ये बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और राजस्थान में भी जो हुआ हमने देखा कि भाई भास्कर की तो एक डिटेल रिपोर्ट आई थी कि 500 वायल और 2,500 टीके के डोजेस, मतलब बताइए, टीका एक अभी एक ऐसी संपत्ति हो गई है, टीका सबको जरूरत है, टीके की आवश्यकता हम सबको है, और टीके को वेस्ट कर दिया गया, वेंटिलेटर को बर्बाद कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस आपदा में, इस विपत्ति में कांग्रेस पार्टी को साथ आकर के काम करना चाहिए, न कि अपने लिए राजनीतिक अवसर देखने चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वृद्धि पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के बारे में केंद्र को कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें संतुलन भी चाहिए। महंगाई को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों के पास यह जिम्मेदारी है वह संतुलन बनाएंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ ही दिनों पहले देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सपोर्ट जारी किया है, वो चाहे अपने छोटे दुकानदार हों या मिडिल क्लास के लोग हों या फिर माइक्रो या स्मॉल मीडियम लेंडर्स हों। तो इस प्रकार से सरकार ने लगातार ये सुनिश्चित किया है कि भाई देखिए, विश्वव्यापी समस्या है ये, ग्लोबली ये चुनौती आ रही है, लेकिन सरकार के एंड पे लगातार ऐसा प्रयास हो रहा है। और ये कब संभव हुआ है मैं पूछना चाहता हूँ। 14 से पहले तो देश में एक प्रकार से आर्थिक छुआछूत का मामला था, फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी थी। 14 के बाद ये सुनिश्चित किया गया कि भाई 42 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, लगातार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया गया। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना से भी किसानों को लाभान्वित किया गया है, 80 करोड़ लोगों तक राशन दिया गया है। मुद्रा के स्कीम से लगभग हम लोगों ने 30 करोड़ लोगों को सपोर्ट किया है अपने वेंचर्स खोलने के लिए। तो इसको एक कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से संतुलन चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके नेतृत्व में, उसके कॉग्निजेंस में ये सब चीजें हैं, और हम सब आश्वस्त हैं कि पैंडेमिक के समाप्त होते ही हमारी रिकवरी और ग्रोथ रेट भी ऊपर ही जाएगी। इस पर नीति आयोग के राजीव कुमार ने कहा है कि जून से आर्थिक रिकवरी शुरू होगी, जुलाई 2021 से रफ्तार पकड़ने लगेगी। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन, कनेक्टिविटी, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं, और खासकर की एंटरप्रेन्योरशिप, भाई आप नौकरी मांगने वाले ना बने, आप नौकरी देने वाले कैसे बने? आप नौकरी लेते हैं, सरकारी नौकरी तो एक व्यक्ति सशक्त होता है, आप कोई वेंचर शुरू करते हैं तो 2 आदमी 3 आदमी सशक्त होता है। तो सरकार का फोकस है कि भाई, और हमने तुरंत देखा था अभी कुछ दिनों पहले कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि भाई व्यापार करने में सरलता के मामले में भी भारत अभी ग्लोबली मजबूती से ऊपर आया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिजनेस से, एंटरप्रेन्योरशिप से और फंडामेंटल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग से, जो कि सेंटर में भी हमने देखा कि रिजर्व रेपो रेट और रेपो रेट में किसी प्रकार की बदलाव को नहीं किया गया है, तो हम लोग लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग के माध्यम से, वेलफेयर स्कीम से भी। हमने देखा कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचा है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी से हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत का जो आम नागरिक है वो उस पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।